शहर के फतेह स्कूल से होम वोटिंग के लिए टीमें उदयपुर से विभिन्न 8 विधानसभा के लिए रवाना हुई। टीमों को इससे पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। 8 विधानसभा के लिए 82 होम वोटिंग टीमें रवाना हुई हैं। इसके लिए 14 से लेकर 19 तक घर जाकर 80 साल से ऊपर के मतदाता को वोटिंग करवाएंगी। मंगलवार को फतेह स्कूल में गहमा गहमी का माहौल रहा। शहर के फतेह स्कूल से होम वोटिंग के लिए टीमें उदयपुर से विभिन्न 8 विधानसभा के लिए रवाना हुई। टीमों को इससे पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। 8 विधानसभा के लिए 82 होम वोटिंग टीमें रवाना हुई हैं। इसके लिए 14 से लेकर 19 तक घर जाकर 80 साल से ऊपर के मतदाता को वोटिंग करवाएंगी। मंगलवार को फतेह स्कूल में गहमा गहमी का माहौल रहा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस बार पहली बार है कि जनरल चुनावों के अंदर, आम चुनावों के अंदर कमीशन ने इस बार 80 वर्ष से अधिक मतदाता और जो दिव्यांग मतदाता है जिनके की डिसेबिलिटी 40% से अधिक है उनको घर पे मतदान करने की सुविधा दी गई। उन्हीं निर्देशों के तहत आज हमारे उदयपुर के कुल जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी कुल 82 होम वोटिंग टीमें जो आज फतेह स्कूल से जिनको हम ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हर टीम के अंदर एक PRO है, एक PO है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर है और इनके साथ में एक पुलिस का सुरक्षाकर्मी भी रहेगा, एक BLO वही मौके पर मिलेगा और साथ में वीडियोग्राफर। एक तरह से 6 जनों की टीम है जो हर मतदाता के घर पर जाएगी। 14 से लेकर 19 तक का हमने पहला प्रथम भ्रमण का हमने कार्यक्रम निश्चित किया सभी RO के वहाँ पर ही। किस तारीख को किस मतदाता के वहाँ पे जाएंगे इसका पूरा रूट चार्ट आज हमने यहाँ पे होम वोटिंग टीम को दे दिया है और इसी कार्यक्रम से जो संबंधित मतदाता उनको भी बता दिया गया है कि आपके वहाँ पे मतदाता जो मतदान टीम है वो किस तारीख को आएगी। ये टीम वहाँ पे जाएगी और जैसे कि कमीशन के निर्देश है उसी रूप में उनको वहीं पर डाक मतपत्र जारी करके और उनका घर पर ही उनका मतदान करवा के और उनके पोल जो डाक मतपत्र है वो लेके वापस वो संबंधित RO के वहाँ पर जमा करवाएंगे। सर कितने मतदाता चिन्हित किए गए हैं? पूरे जो 8 विधानसभा क्षेत्र है हमारे पूरे 8 में 80+ और जो 40% से अधिक जिनकी डिसेबिलिटी है ऐसे 3815 कुल वोटर हैं जिनको कि हम लोग घर पे मतदान की सुविधा दी जा रही है। एक ही चरण में होगा या दो तीन चरण? जैसे कमीशन के डायरेक्शन है इनको 2 चरण में करवा सकते हैं। अगर प्रथम चरण में या पहली विजिट के अंदर अगर व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसको एक मौका और दिए जाने के निर्देश है। तो जैसा कार्यक्रम है 14 से 19 तक के बीच में सभी मतदान दल संबंधित मतदाता के वहाँ पे प्रथम विजिट करेंगे। अगर कोई भी मतदाता किसी भी कारण से अगर प्रथम विजिट में अगर घर पे नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में 20 और 21 को उनके वहाँ पे दोबारा जाएंगे। प्रथम विजिट में जो नहीं मिलेगा उसी वक्त उसके घर पर जो भी मौजूद होगा या फिर उसके अड़ोस पड़ोस से किसी व्यक्ति को बता देंगे कि हमारी अगली विजिट 20 को होगी या 21 को। शुक्रिया।